सत श्री अकाल पंजाब हरियाणा लाइव देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नजर मारदे हां अज दीआं खास खबरां ते। किसान मोर्चा भारत वालों चक्का जाम की कान नूं सफल बनाउण दे लई वख-वख किसान जथेबंदियों वालों गलबात की गई, जिस च उन्होंने अज ठीक 11 बजे हरसा मानसा टूर प्लाजा ते पहुंचण लई कहा गया सी। किसान मोर्चा भारत वालों चक्का जाम की कान नूं सफल बनाउण दे लई वख-वख किसान जथेबंदियों वालों गलबात की गई, जिस विच ठीक 11 बजे हरसा मानसर टूल प्लाजा ते पहुंचण लई कहा गया, जिस विच ब्याह वालियां गड्डियां अते होर जरूरी जान वालियां गड्डियां नूं रस्ता दिता जाएगा। उत्थे ही किसानां ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि केंद्र सरकार जिन्ना चिर ये बिल वापस नहीं लै लैंदी उन्ना चिर पिछे नहीं हटांगे। अते उन्होंने ये भी कहा कि जिहड़े साडे किसान तिल्ली धरने ते बैठे हन उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े रहांगे। अते केंद्र सरकार ने जिहड़े सूए अते बैरीगेट लगाए ने अते बिजली पानी बंद करता सरकार दीआं बहुत ही माड़ियां हरकतां ने। अज उस पंजाब दे लोगां नूं अत्तवादी ने खालिस्तान कहा जाता है, इन्हों की कि मूर्खता। दूजे नंबर से यह ध्यान दता है भी खेतों से बीज बीज के लोगों के ढिड भरते हैं। ये यहोजे डंप है जोड़े खेतों से कि बी बीजन लग पे, दसो किधर नु जाएंगे। लोग तो बीज बीजते खेतों में लोगों का भला करने वास्ते, तो ये किल खेतों बीजन लग पे, ये किलों की लगेगा, ये लोगों तबाही करने वास्ते। लोग खेतों जाके अपना पैदावार जी वो भी ना कर सकन, तो लोगों के जो खेत है दाने बीजने वो तो लोगों के ढिड भरने वास्ते असं कम करते हैं। ये लोगों के हाँ किल बीजन लग पे, इस करके सानू ये हुकूमत से बहुत ही इस गल का दुख है भाई। अन जो लोग पैदा करने उन्होंने अत्तवादी कहना तो खालिस्तानी कहना बहुत माड़ी गल है। और सारे हिंदुस्तान ने दस दिता भी नहीं जो पंजाब है वो ठीक है, ये गलत ने, क्यों ना वो अत्तवादी है ना वो खालिस्तान मंगते, वो तो लोगों का भला मंगते। जिहड़े अपनी दिल्ली के किसान बैठे आ रस्ते वास्ते उन्होंने की कहते सूए ला रहे हैं जां बैरीगेटर कर रहे हैं, जिहड़े आम लोग उन्होंने परेशानी नहीं होंदी जिदा ये कहते भी BJP सरकार भी ये कहती असी की कहते आम लोगों नहीं परेशान करना चाहते, की कहना चाहते जिहड़े उत्थे। कुलविंदर सिंह तुहाडे चैनल से असीं बड़े ऋणी हैं, तुसीं लगातार साडे किसानां दी सेवा कर रहे हो, साडा पक्ष जिहड़ा संसार दे सामने पेश कर रहे हो। साडा टोल प्लाजा ते साडा समुचा किसान भाईचारा तुहाडा इस करके विशेष धन्नवाद करदा। जिथों तक तुहाडा सवाल है, ये जिहड़ी मौजूदा सरकार है इन्हें अपना असली हुलिया जिहड़ा साडे घोल दे रहे नंगा कर दिता। सानू इस गल का माण जांदा, जिन्हों हिंदुस्तान के लोगों ने भरमा हंगारा भर दिता, जिहदे उत्ते दुनिया के कौमांतरी भाईचारे ने भी हाँ भर दिती है, हामी भर दिती है। ये सरकार जिहड़ी है बड़ी अपने आप च नंगी हो चुकी है। इहदा असली की रूप सेगा आ जिहड़े हुण इहने किल वगैरह रोके है उहदा सीधे तौर पर अर्थ यह बनता है भी वह अपने देश वासियां नूं अपनी राजधानी विच बैठे हाकमां नाल गलबात करन तों रोकण लई जिहड़ा सड़कां दा लोक ते सड़कां बणाउंदे आ लोगों को सहूलतां दिंदे आ, ये लोगों के राह सड़कां पुट रही है। ये लगातार पिछले 3 महीनों च लोगों ने देखा भी इन्हें बार बार जो शुरू से असी 11 तुरे हैं 25-26 उदों भी इन्हें कल्ले कल्ले शहर सड़कां पुटियां ते राज बैरीकेड लाए, साडे मुंडियां ने चुक चुक के मारे, राहां चों परां कर दित्ते, दरियावां च रोड़ दित्ते। लेकिन बजाय इस दे कि ते रिव्यू कर दी है सरकार, ये तो पुनर्झात कर दी भी मैं गलत काम कर रही हूँ तो लोगों की गल सुना, ये अपने जबर से बदती चली गई है। और जबर की शिखर हुण हो गई है कि दिल्ली के शरे आम एक इदा का बेरहमी का पत्थर दिल होने का नंगा नाच शुरू कर दिता, जिद सड़कों के किल ठोक के बैरीकेड बना के तारा ला के जिड़िया के सरहदों के उत्ते लागू नज़र नहीं आउंदियां। जिहड़े देश के जिहड़े सो कार्ड जिन्होंने कहिंदे आ बैरी आ साडे, असीं समझदे नहीं कौमांतरी भाईचारे की शांति के असी प्रतीक है। दुनिया की जो शांति रही है तो प्रोग्रेस होंगी है, असी इस गल के हामी है। दुनिया भर का किसान चाहता दुनिया से अमन चैन चैन होना चाहिए, दुनिया भर का किसान इस करके चाहता कि जंगा वो खेतों च लड़िया जानिया, असी नहीं चाहते कौम आपस में लड़न। लेकिन फिर भी आपस इन्हों मतभेद होंगे, पाकिस्तान ना मतभेद है, चीन ना मतभेद है, बंगलादेश ना मतभेद है, इन्हों के उन्हें जिन्हों सरकार जिन्हों कौम जिन्हों राज मतभेद है दूजे देशों दिया राज्यों उन्होंने उत्थे कोई योजी नज़र नहीं आती। बागे की सरहद तुम्हें इदा की कोई तार नहीं नज़र आती, इदा के सूए नज़र नहीं आते, दूजिया से बंगलादेश अफगानिस्तान इधर कित नज़र नहीं आता, पाकिस्तान के नाल कित नज़र नहीं आता। लेकिन अपने देश के दे लोग जोड़े ये गल करना चाहते हैं
उत्थे जाके मिलना चाहते हैं, सरकार के सामने अपना केस पुट करना चाहते हैं, वह भी कोई नवी गल नहीं कर रहे। साडे संविधान दे विच दर्ज है, सानू ये हक प्राप्त है कि वो लोग अपने जिहड़ी गल है कोई मुसीबत है दुख है दर्द है उन्हें सरकार को बयान कर सकते हैं। ये दुनिया की एक निवेकली सरकार है जिहड़ी लोगों नू दिल्ली जाण वालियां नू रोक रही है और रोकदिया होया उन्होंने उत्ते टीयर गैस गोले होर सारा कुछ पानी दियां पछाड़ा ये करती सी। ये आम हुंदा कि साईं समझने दुनिया दियां कौमां करदियां, लेकिन जिहड़ा हुण इह कर रही है सूए गड़ के प्लस्तर दियां कंधां उसार रही है, लंबियां लंबियां लहरां बना रही है, तह बना रही है, इदां दियां इहदी निखेधी जिन्नी भी हो सकदी है थोड़ी है दुनिया विच निखेधी होई है। इहदी निखेधी हिंदुस्तान दे लोकां नू इस करके करनी चाहीदी है कि सड़कां दी पटाई सड़कां दे विच किल्लां दी ठुकाई ये दरअसल सड़कां दे विच ही नहीं बल्कि जिहड़े साडा संविधान है उहदी आत्मा विच किल ठोके जा रहे हैं, साडे संविधान की आत्मा नू यानी कि जख्मी किया जा रहा। ये हकीकत है, एक ये इस तरह जो कुछ भी कर रहा है ये एक दुनिया से बहुत वड्डी जबर दी नवी अछूती मिसाल कायम कर रहा। दुनिया निखेधी करेगी, इहदी लाजमी करेगी, ये कभी भी दुनिया नू बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मार खाएगा। हुण तक साडे घोल दे प्रति जिहड़ा भी इहने पैंतड़ा अपनाया वो इहदे गल उल्टा ही पिया और इहनू अकल नहीं आ रही अजे, लेकिन आखिर कदों तक लोग इहनू बर्दाश्त करनगे। इहदी सरकार दा पतन होना अज कल परसों कदी ना कदी लाजमी है। जाबर बड़े लीडर दे आए है लेकिन इतिहास किते उहदा नां नहीं मिलता, ये भी उहनां विच शामिल हो जाएगा। देखो जिहड़ी कल दी रणनीति है कल 12 बजे तो लैके 3 बजे तक असी सारा भारत नूं बंद कर रहे हैं, इस करके कई लोग जिहड़े है ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 1746 ਈਸਵੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਡਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਗੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਹੈ,
लानत है ये पुलिस नू प्रशासन नू। फिर एक सरदार नू जिदा मारिया, मैं पशु भी कुटदे नहीं अज तक देखे, जालम पशु नू इदा मारदा जिदा उन्होंने मारिया। साडी लड़ाई उन्ना चिर जारी रहनी है जब तक मेरे मित्रों ये बिल माफ़ नहीं होने। ये साल चल जाए लड़ाई, दो साल चल जाए, किसानों ने मर मिटना, अपनी जमीन नहीं देनी, अं खेतों च पैर नहीं पाउन देना। सो मैं कहना, मैं तो मोदी साहब नूं कहना, अजे भी चंगी गल है। एक साढ़े जट्टां दी कहावत है पे किसी दे पुत है, एक पुत जिहड़ा एक पुत्र हुंदा, एक कपुत्र हुंदा ते इक सपुत्र हुंदा। पुत्र वो है जे किसे कोल पंज किले है तो पंज बचा ले, सपुत्र जे कोल जे किसे कोल पंज किले छे सत्त बना दा कहिंदे फलाने दा जिहड़ा सपुत्र है बड़ा चंगा, ते कपुत्र वो है जिहड़े पंज किले घर दे भांडे भी वेच दे। ये मोदी ने सड़कां वेचतियां, पानी वेच दिता, डैम वेच दिते, होस्पिटल वेच दिते, हवाई जहाज वेच दिते, एयरपोर्ट वेच दिता। इहदे नूं निकम्मा प्रधानमंत्री होर किन्ना हो सकदा, मैं इस तों वध नहीं कह सकदा। बहुत ही निकम्मा प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नहरू तों लै के अज तक, इस तों पहलां इहो जिहा प्रधानमंत्री नहीं देश नूं मिलिया। निकम्मा जिहो जिहा इह निकम्मा प्रधानमंत्री मिलिया, झूठा, हर लफ्ज़ दा झूठ। पर जिहड़े की कहिंदे मोदी भगत आ, उह कहिंदे भी की कहिंदे मोदी साहब बहुत वधिया करदे पए आ, की कहिंदे दूजी वारी प्रधानमंत्री बन गए, अगे फिर तीजी वारी बनावांगे की। देखो मोदी जिहड़े भगत है, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਿਆ ਕਮਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਸਿਖਲਣ ਕਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, UNO 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ, ਜਿਹੜੇ 192 ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਹੱਦ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕੋਈ 5-7-10 ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਚਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ GOG ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹਮ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੁੱਚਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਚਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਸੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਕੇ 99 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ 99 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, DGPS ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਟੰਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੀਤੇ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਅਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਪਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੋਗਾ ਉਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਕਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਲਦੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸ ਆ? ਇਹ ਅਭੀ ਆਪਕਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕੋ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤੇ ਉੱਥੇ। ਅਭੀ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤੋ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੋ ਕਮ ਸੇ 99 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਲੇਗੀ ਆਪਕੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਲੇਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਲੇਗੀ, ਰਾਈਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਵੋਟ ਲੇਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਰਾਈਜਿੰਗ ਆਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਲੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਕੀ ਲਾਈਨ ਡਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੋਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ?
नहीं खराब हो, जैसे आपकी प्रॉब्लम आती है सीसी वाली जो सीमेंट वाली गली होती है ना, उनमें प्रॉब्लम आती है आपकी, जैसे लॉक टाइल वाली गली होती है तो उसमें क्यों होता है, उसे ईंट को चक्के जितनी हमको लोड होगी बंदे नू उतना ही बंदा उत्थे तोड़ेगा, नहीं तो उत्थे उसे ही चक्के ऐसे ही करके आपको देगा। वो भी मशीन दे नाल ही होएगा, डिजिटल नहीं होना जी सारा कुछ, आपका जितने बंदे नू लोड होगी ना उतना ही बंदा कुछ करेगा जी। मैं जीओ जी सतनाम सिंह पिंड डल, तो अज का जो मकसद बोलन का मेरा ये आ कि जो साढ़े वालों रिपोर्टा पाई गई ही चंडीगढ़ जां साढ़े महकमे वाटर वाटर सप्लाई वालों, जिस तरह के 20 साल ये वाटर सप्लाई बंद हो ही हुए हैं, तो उदे विच अज टीम अंबरसरों आई है वाटर सप्लाई दे मतलब सर्वे करने वास्ते डिजिटल, जिस तरह के अज सर्वे होया इहदा मतलब मशीन के आधार पर इहदा सर्वे हो रहा, इहदा प्रोजैक्ट जिहड़ा है पुचर कला तो चलना शुरू होना है, ये अंडर 99 पिंड आते हैं, तो ये जिहड़ा प्रोजैक्ट आ तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे इन्हों, मतलब काम पिंड दे विच शुरू होंदे आ, हर घर घर दे विच पानी इहदे मुहैया होएगा, कोई टाइम लगेगा ये नाल, वेखो जी 20 साल हो गया साडे पिंड का पानी बंद होए नूं, हुण सरकार ने इहो ही इहदी स्कीम कढ़ी आ भी 99 पिंडां नूं पानी इहदे प्रोजैक्ट दे अंडर दिता जाएगा। ते जिहड़ा लोकां दा जिहड़ा रिस्पोंस किस तरह दा होएगा? लोगों का समोस ये हैगा जी, जे मतलब इन्हों एक महीने का बिल भी भरना पेगा तो भी बिल भरन तैयार है, लोग तो पानी पी पी के गंदा बीमार हो रहे इतने साढ़े पिंड देखो जी, ए किनारे तो जाते 1.5 किलोमीटर बंदे पानी लैन लैन वास्ते जाना पैंता, क्यों वो कहें भी पानी साडा चालू हो जाए तो असं बिल देने भी तैयार हैं। मुकेरिया विखे प्रोफेसर जे एस मुल्तानी ने आम आदमी पार्टी की वलंटियर उम्मीदवार नाल नगर कौंसल चोणा नूं लैके मीटिंग की गई, जिस तों बाद एस मुल्तानी ने पत्रकारां नाल गलबात करते हुए कहा कि साडी पार्टी ये चोणा पूरी ईमानदारी नाल लड़ेगी, इस विच ना ही किसी तरह के नशे की वरतों की जाएगी, ना ही किसी तरह के पैसे की वरतों की जाएगी। मुकेरिया विखे आम आदमी पार्टी की वलंटियर जिहड़े 11 उम्मीदवार नगर कौंसल चोणां लई लड़ रहे हैं उन्हां नाल प्रोफेसर जे एस मुल्तानी ने मीटिंग की। प्रोफेसर जे एस मुल्तानी ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि साडी पार्टी वल्लों सख्त हदायतां ने कि असीं इह इलैक्शन पूरी ईमानदारी नाल लड़ांगे अते सारे कैंडिडेट किसी भी तरह के नशे की वरतों नहीं करनगे अते ना ही पैसे की वरतों करनगे, बिल्कुल ही सधारण तरीके दे नाल चोण प्रचार करांगे अते दिल्ली विच साडी सरकार ने काम कीता है, लोकां नूं इन्हां कम्मां बारे भी दसांगे। हैलो दोस्तों, मैं तुहाडा अपना इंटरनेशनल रैसलर निर्मल सिंह पिंड आसपुर तों कंडी एरिए तों, अज आम आदमी पार्टी दे सारे कैंडीडेट MC चोणां वाले इत्थे इकट्ठे होए ने, ये पंजाब दे विचों गंद कढ़न वास्ते इकट्ठे होए ने, जिहड़ा कि बिल्कुल दूसरी पार्टियां ने बहुत बुरी तरीके नाल सिस्टम नू बिगाड़िया, अज उन्हू साफ करने वास्ते पूरी तरह नाल झाड़ू लैके इत्थे इकट्ठे होए ने, दिल्ली दे विच जो केजरीवाल साहब ने काम किए ने उन्हां कामां नू पंजाब दे विच पूरे इन विन इंप्लीमेंट करन वास्ते सारे तैयार बर तैयार ने, 2022 दीआं चोणां विच वी इह पूरी तरह नाल सरकार बनाउण वास्ते पूरी जद्दोजहद कर रहे ने, और घर घर जा के हर एक वोटर नू इह पूरी तरह नाल संदेश दे रहे ने दिल्ली दे केजरीवाल साहब। मैं स्पैशल तौर पर श्री मुल्तानी जी जेडे प्रोफेसर जी ने और मुकेरिया हल्के बहुत जदोजहद कर रहे हैं केजरीवाल साहब की टीम वास्ते, इन्हों के बहुत ही अच्छे कामों करके अज मैं इन्हों की सपोर्ट वास्ते इतने आया, मैं दसूहा हल्के तो हाँ फिर भी मुकेरिया इन्हों की सपोर्ट वास्ते आया, इन्हों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम ने, बहुत ही अच्छा उपराला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वास्ते बहुत समर्पित ने जी। असं गल करिए अपनी हर वार्ड के MC इलेक्शन की कहना चाहते हैं? ये बहुत जिन्हें भी कैंडीडेट ने बहुत शाकाहारी कैंडीडेट है जी, और दूसरी पार्टियां दे मांसाहारी कैंडीडेट ने सारे, और ये खुद भी शाकाहारी ने, और ये एक सिस्टम नू चेंज करना आए ने, उन्हां दे दूसरी पार्टियां दे मुँह नू खून लग्या और दूसरियां दे मुँह नू थोड़ा बहुत ला के 5 साल वो लुटते हैं, ये बहुत ही सारे अच्छे इंसान पढ़े लिखे ने और बड़े सूझवान ने, सब तो वधिया गल है कि ये सोशल ने सारे, ये इंसाफ पसंद ने लोग सारे और दूसरों इंसाफ दवाना चाहते हैं, मैं इन्होंने सारे का एक बार बहुत जबरदस्त तरीके धन्यवाद करना, तो थोड़ा भी तो जी एस मुल्तानी जी का भी, मैं इन्हों के नाल खड़ा मोढ़ा ना मोढ़ा ला के जिन्ना जोरदार हो सकया मैं इन्हों की सपोर्ट करूँगा हर तरीके नाल, इन्हों के नाल पिंडा च जाके ये शहर के पूरे और इन्ह दिनिया कमेटी दोणा हो रही इन्होंने मैं पुरजोर इन्होंने नाल खड़ा, मैं पंजाब के भी जिते जिते मेरे रिलेशन है आम आदमी पार्टी वास्ते पूरे तरीके। मैं प्रोफेसर जी एस मुल्तानी सबका हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी मुकेरिया, मेरे वालों सारे सुनने वालों नमस्कार सत श्रीकाल, अज असी मुकेरिया
आम आदमी पार्टी के सारे वॉलंटियर साढ़े सारे इतने कैंडीडेट अज इकट्ठे हुए हैं ता कि असी अज अपनी कंपेनिंग मुखेरिया में शुरू कर रहे हैं। साढ़े 12 कैंडीडेट असी मुखेरिया दिते है। असी अपनी ईमानदारी इलैक्शन लड़न की कोशिश कर रहे हैं। साड़ी पार्टी वालों जो हदायत आ साड़ा कोई भी कैंडीडेट ना कोई नशे का प्रयोग करेगा ना ही एक्सट्रा खर्च करेगा ना ही पैसा वेस्ट करेगा। असी नॉर्मल जे तरीके घर घर जाकर लोगों को समझावांगे कि साड़ी पार्टी का साथ दो और सानू पूर्ण आस है कि लोग सानू साथ देंगे। लोग इन्हां तों तंग आ चुके ने, लोगों को पता है कि 10-15 लाख रुपया खर्च करके ये MC बन जाते हैं तो बाद च 5 साल सानू लुटते हैं। सो दिल्ली वे साड़ी सरकार जो काम कर रही है असी लोगों को काम दस रहे हैं। पढ़ी लिखी ईमानदार सरकार होने के कारण उसे एडे वधिया काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो धरना चल रहा साडे किसानां दे इन्ने दिनां तों साडी सरकार उत्थे दिल्ली भी बहुत ज़्यादा उन्हां दी मदद कर रही है। आपां सारा सोशल मीडिया देखते हैं केजरीवाल साहब कोलों जो भी बन पा रहे जिते भी किसानों को लोड़ पै रही है उन्हां दे नाल खड़े ने और ये आम एक आम आदमी पार्टी है जो किसानों नाल पहले दिन तो खड़ी है। बाकी पार्टियां वांगू नहीं, जो हवा का रुख बदल गया तो दूजे पासे हो गए। असी जिस दिन ऑर्डिनेंस पास होए सी उसे दिन तो किसानों के नाल खड़े हाँ और लगातार खड़े रहेंगे जब तक कि किसान अपने तीन जो कानून काले कानून ने उन्होंने वापस नहीं करा लेंगे। असी 12 कैंडीडेट खड़े किए हैं। 12 के 12 साढ़े नॉर्मल घर के आदमी ने जां लेडीज़ ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पितर चेंज करती कि कला धनाड़ बंदा ही इलैक्शन लड़ सकता है, कल्ले पोलीटिकल जिन्हां दे बाबे दादे नाने लीडर सीगे उही इलैक्शन लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने हुण इत्थे प्रूव करता है दिल्ली विच भी पंजाब विच भी कि एक नॉर्मल घर के बच्चे नॉर्मल बंदे इलैक्शन लड़ सकते हैं, जित सकते हैं, सरकारां चला सकते हैं और दिल्ली भी असीं करके दिखाया। पंजाब विच भी असीं 21 जो साढ़े पहला जो MLA जिते आ उन्हां विच भी बहुत नॉर्मल घरां दे बंदे सीगे। असीं इस गल नूं रूट लैवल ते लिजा रहे हैं। साढ़े कैंडीडेट कोई भी गलत काम नहीं करेगा, इलैक्शन जितांगे असीं सिर्फ अपनी ईमानदारी दे सिर ते। बहुत भरमा सहयोग मिल रहा है क्योंकि लोग इन्हों बहुत परेशान बैठे ने, लोग इन्होंने दूजिया पार्टियों तंग बैठे ने। लोगों को हम पता लग चुका कि ये जी पार्टियां है झूठ बोल दी हैं, झूठे वादे कर दी हैं, शराब का सेवन नशिया का सेवन करा के लोगों को लालच दे के वोटा लेंदियाँ तो वोटा लैन तो अगले दिन तो बाद फिर जिन्ने चिर भी हों वो फिर बंद पुछते नहीं तो ही पैसे का बाद दुरुपयोग हों। साढ़े इतना धक्का होया नहीं होगा तो असं डट के विरोध करा अभी सारे भरा कट्ठे हाँ। साढ़े असं एवें कही है साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े 12 कैंडीडेट फाइल किए थे, साढ़े कागज बिल्कुल ठीक से, उन्होंने सारे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। असी ना साड़ी नेचर आ ना असी करा असी किसी से झूठा इल्जाम लाने के आदि नहीं है। हाँ जे कांग्रेस के किसी भी लैवल से या किसी होर ने साढ़े धक्का करने की कोशिश की साढ़े कैंडीडेट्स नाल असी डट के विरोध करांगे क्योंकि असी ना तो किसी को तकलीफ देना चाहते हैं तो ना ही किसी को तकलीफ लेना चाहते हैं। जे कितने असी गल करिए कि कहते कांग्रेस वाले कहते जी आम आदमी पार्टी आ ये BJP की बी टीम आए बारे वो तो हम किसी जो मर्जी कही जाओ कोई कुछ कही जाता कोई कुछ कही असी नैगेटिव पॉलिटिक्स करते ही नहीं। अभी तो पॉजिटिव बंदे हाँ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते असं तो यह कह रहे तुम दसो 70 साल किया है तो किया दस दो, पहला सड़क बना ली फिर पट के सीवरेज पवाता फिर पट के तारा पवातियाँ क्यों तुम पहला प्लैनिंग करते। सो साड़ी पार्टी पॉजिटिविटी विचों निकली हुई पार्टी है, पढ़े लिखे बंदियां दी पार्टी है और ये दिल्ली विच करके दिखाया है। असी पंजाब विच भी जिन्ने साडे MLA अपने कारगुजारी तो उन्होंने हल्के लोग बहुत संतुष्ट आ तो 2022 विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने लई पंजाब दे लोग उतावले आ क्योंकि उन्होंने इन्हों देख चुके हैं। BJP अकाली कांग्रेस ये सारे इको ही थाली के चट्टे वट्टे आ, लोगों को पता लग चुके हैं। लोग हुण इन्हां तों परेशान बैठे ने, तंग बैठे ने और दिन लभ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का किदण मौका आए तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च बने। हुण MC दे इलैक्शन विच वी असीं घर घर जा रहे हैं, लोग बहुत भरवां हुंगारा दे रहे हैं। जल सप्लाई अते सैनिटेशन विभाग कॉन्ट्रैक्ट यूनियन वल्लों मोदी सरकार की अर्थी फूक के प्रदर्शन किया गया अते जम के नारेबाजी भी की गई। इस मौके जिला प्रधान काले कानूनों नूं रद्द कराउण लई चल रहे किसानी अंदोलन की हमायत भी की। मोदी सरकार वालों कारपोरेट पक्षी लियांदे लोक विरोधी काले कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई चल रहे अंदोलन नूं फेल करन लई मोदी हकूमत दीआं चालां नूं मोड़ा देण लई ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा पंजाब वालों मजदूरां मुलाजमां किसानां नाल मिल के सूबे भर च मोदी सरकार दे विरुद्ध अर्थी फूक के मुजाहरे किए गए, जिस दे तहत जिला तरन तारण विच जल सप्लाई अते सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कस यूनियन पंजाब राज 31 जिला प्रधान तरन तारण दिलवाग सिंह ते कुलदीप सिंह विरक दी अगवाई हेठ मोदी सरकार दा पुतला फूकिया गया अते जम के नारेबाजी भी कीती। की ना जी अपना
मैं कुलदीप सिंह विरक्त जिला जनरल सकत्तर जल सप्लाई सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैक्टर नंबर 31 जिला जी ताडे अर्थी फूक मुजहरा किया गया किस संबंध किया गया ये जी आप देखो अपने किसान भरा छोटे छोटे बच्चे अपन मातावान बजुर्ग अपने 2 महीने तो दिल्ली के बार्डर उत्ते धरना ला के बैठे आ उन्होंने करके आप सेंटर सरकार का जरा वा पुतला फूकन जा रहे हैं जोड़ा कि आपू पंजाब लेवल के उत्ते सदा लगा स्टेट प्रमोटिव कमेटी वालों अपने सरदार वरिंदर सिंह मोमी सूबा प्रधान वालों कॉल से सूबे की कॉल से आप जरा अर्थी फूक मुजहरा मोदी सरकार का सेंटर सरकार का कर रहे हैं कि जगह अर्थी फूक मुजहरा किया गया ये जी आप गांधी पार्क तो शुरू किया गांधी पार्क शुरू करके बोड़ी चौक होंगे हुए तो चबाल बाईपास अमृतसर रोड के उत्ते चौंक के अर्थी फूक मुजहरा किया की मांग करते हो सरकार तो मांग यही करते हैं कि सरकार ने जोड़े काले कानून 3 आर्डीनेंस वो लिया गए उन्होंने सरकार जरा रद्द करे बकायदा तौर पर जोड़े साडे साथी बजुर्ग किसान भरा साडिया मातावान भैन बच्चे उन्होंने जरा घर परत्या जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड आ इस करके अज तक कोई 100 तो वध जिहड़ियां लाशां जिहड़ियां उन्हां दा संताप असीं झल चुके हैं तो अगे तो इहो जी घटनावां ना हो इस करके असीं सेंटर सरकार तो मंग करते हैं कि तिन्ने काले कानून जिहड़े आ रद्द कीते जाण जी। भाजी की नाम अपना जी? मेरा नाम जी सरदार दलबाग सिंह दूर जी जिला प्रधान जल सप्लाई सेंटर भाग तरनतारन। अज तुहाडे वल्लों जिहड़ा अर्थी फूक मुजहरा किया गया किस संबंध जी किया गया? यह किया गया जी जेडे आप पिछले लंबे समय तो जेडे किसानों के विरुद्ध काले कानून लिया गए उन्होंने तहत जेड़ा प्रोग्राम जेड़ा साडी सूबा कमेटी ने संघर्ष मोर्चे को लिखा गया सी किसानों नाल मिलके ये उन्होंने काल के उत्ते जेड़ा वा असीं अज पुतला फूक मुजहरा जेड़ा करना ही किया वा ये असीं जेड़ा वा प्रोग्राम इतों गांधी पार्क तो हो गए असीं फिर बोड़ी चौंक होंदे होए चबाल बाईपास जाके जो अभी मतलब फूकिया उ अर्थी फूक मुजहरा किया गया। ये अर्थी फूक मुजहरा कि जगह पर किए गए जी? ये जी साढ़े सारे तकरीबन पंजाब स्टेट में सब जिले के जोड़ा वा वो थाँ थाई किए गए ब्रांचों में भी किए गए जिले पद्धर से भी किए गए। की मांग करते हो सरकार तो? मांग असं करते हैं जी जिस तरह पिछले लंबे समय तो किसान साडे भरा जेडे बजुर्ग छोटे बच्चे साड़िया भैन जाके बार्डर के उपर ये काले कानून वापस पाने वास्ते उत्थे जाके बैठे आ असं चाहते हैं भी ये जो काले कानून आ ये सरकार वापस लवे जेड़े साडे बजुर्ग उत्थे जाके बैठे आए ने लंबे काफ़ी लंबे समय तो वो भी अपने घर नूं पर सकन ते खुशहाली जेड़े आपां अपने घर नूं आउण। 6 फरवरी 2021 संयुक्त किसान मोर्चे के हुक्मां अनुसार अज किसान यूनियन वालों देश भर के अलग अलग शहरां जिवें कि लुधियाणा मुकेरियां कादियां जलंधर फगवाड़ा और होर कई शहरां विच शांतमई ढंग दे नाल चक्का जाम किया गया। इस विच आख्या गया से कि ठीक 3:01 से सारे वाहनों के हॉर्न बजा के इस चक्का जाम को खत्म किया जाएगा। इस मौके किसान मजदूर एकता के नारे लगाते हुए किसानों ने कहा कि यह संघर्ष दिन प्रति दिन होर तिखा होता जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। जिहड़ा अज दा साडा 6 तरीक का चक्का जाम है ते जाम दे राही आपां जिहड़ा भारतीय किसान यूनियन बीकेयू कातियां हरप्रीत सिंह जिहड़ा कातियां विच इक बैठा उहदी अगवाई दे विच असीं इह धरना लाया होया। इह धरने दा मकसद साडा इह है कि जिहड़ी सरकार है कितें कन्न जिहड़े बंद होए इहनां नूं जरा खोलण वास्ते असीं इह धरना ला के ते इहदी सुत्ती जिहड़ी सौं गई सी इहदी जाग नींद जिहड़ी आ गई सी इहनूं खोलण वास्ते आपां इह प्रोटेस्ट जारी कीता है। और असीं जिहड़ा चक्का जाम है जिहड़े साडे मुंडे इन्हां ने बेगुनाह जिन्हां दी अरैसट पाई है उन्हां दी रिहाई वास्ते ते जिहड़े उन्हां दे परचे कीते आ उह परचे जिन्ना चिर कैंसल नहीं करदे उहदे वास्ते असीं इह प्रोटेस्ट जिहड़ा अज जारी कीता है धरना लाया है चक्का जाम जिहड़ा 12 दिन तक कीता। संयुक्त मोर्चे की कॉल से जगजीत सिंह मनसूरपुर होनी हर समय नाल रहांगे अपने नहीं होंगे
ਇਹ ਧਰਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀਸਫੁਲ ਛੱਬੀ ਤਰੀਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਧੰਨਵਾਦ